हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड 2019 बैच समस्त प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। जी फ्रेंड्स, ये डेडिकेटेड वीडियो फ्रेश प्रशिक्षु प्लस जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल आधिकारिक दी जाएगी, तो जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हाल ही में एक नोटिस आपने देखा हुआ 3 पेज का लगभग, जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जो परीक्षा केंद्रों को लेकर मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, कहा गया था कि 2 सितंबर तक सूची दे दी जाए, है ना। जैसे कि ई पेपर वाले भैया ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है, और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि संजय उपाध्याय जी ने जो सभी DIUs को पत्र लिखकर 2 सितंबर तक केंद्रों को जो है मतलब केंद्रों की सूची भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही COVID-19 का पालन करते हुए और तो और जो न्यूनतम संख्या 300 पर केंद्र पर अपने हिसाब से COVID-19 को देखते हुए, साथ ही CCTV कैमरे की व्यवस्था हो ताकि परीक्षा में निगरानी की जाके, ये सारी बातें जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जो है सब कुछ मतलब जो है जो भी आप कह सकते हैं जब केंद्र बनाए जा रहे हैं तो DIOS को पत्र लिखकर ये सारी बातें जो कि आपने PDF भी देखा होगा, ये सारी बातें हो गई। अब आपने उसमें ये भी देखा होगा कि 12 तारीख से लेकर 23 तारीख तक परीक्षाएं कराए जाने की बात बोली गई थी, और साथ ही साथ 4 सेमेस्टर देखिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, ना ही उसमें बैक पेपर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया और ना ही फोर्थ, बस ये कहा गया कि DLED सत्र 2021 जो भी परीक्षाएं होनी है उनका जो भी केंद्र है उसे सूची मतलब 2 सितंबर तक भेजी जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी बहुत ज़्यादा इसी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। हो सकता है कि बीच में 2-3 दिन छुट्टियां, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा और संडे पड़ रहा हो तो इस वजह से डेट इंक्रीज कर दिया गया हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दें कि हाल ही में एक RDO आप कह सकते हैं जो कि बिल्कुल आधिकारिक, और उपाध्याय जी उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि आप सभी यानी कि 4th सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो 21, 22 और 23 को ही होना है। तो फ्रेंड्स, कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए और हो ही कह सकता है। और उम्मीद देखिए फ्रेंड्स, ये भी है कि जो आपकी डेट शीट है लगभग 5 सितंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उम्मीद यही है। अब जिन भी प्रशिक्षुओं का अभी भी ये डाउट है, क्योंकि देखिए जिनको तैयारी करना है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, आप सभी अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, आप डेडिकेट यही मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षाएं होनी है वो 21, 22, 23 को ही होनी है ना। ऐसी गलती मत करिएगा कि आप सभी यही सब देखते रह जाएँ और फिर से आई होप कि ऐसा ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी उत्तीर्ण छात्र हैं, आप सभी 4th सेमेस्टर की तैयारी में अभी से लग जाइए, दोगुनी तैयारी करिए, ठीक है, और जो डेट प्रस्तावित है उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। जल्द ही इससे रिलेटेड PNP की तरफ से आधिकारिक इन्फॉर्मेशन आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की हो गई, अगर बात वही करें बैक प्रशिक्षुओं से लेकर, क्योंकि देखिए 4th सेमेस्टर की अब इंटर्नशिप की भी प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं, 29 तारीख तक था, 28-29 है ना, और तो और जो भी मूल्यांकन की प्रक्रियाएं जो थी या फिर जो भी, और कॉलेज में आपको पता होगा बैक के पेपर भरे ही जा रहे हैं, है ना। अब आप अपनी तैयारी करिए। बाकी रहा बैक प्रशिक्षुओं का, तो सबसे पहले आप बैक पर फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये कमेंट्स आ रहा था कि क्या हमारा भी एग्ज़ाम इन्हीं के साथ होगा। तो जी नहीं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपका सत्र जो है, आपका सेमेस्टर जो है वो लेट होगा, बिल्कुल नहीं। आप अभी अपना बैक क्लियर करिए, उसके बाद से ज़्यादा भी ज़्यादा देरी होती है तो अक्टूबर लास्ट तक आपका भी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, आप सभी को पता है 12 से 20 सितंबर तक आपकी परीक्षाएं होनी है ना।
तो फ्रेंड्स इतना जल्दी तो एक दो दिन बाद आपका रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाएगा या फिर 21 तारीख से आपकी परीक्षाएं नहीं होगी। तो जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में नहीं होगा। आप को जो है अच्छे से अपने बैक पेपर की तैयारी करिए। साथ ही हम बता दें तो आपकी जो परीक्षाएं हैं, और देखिए इससे रिलेटेड अभी आश्वासन ही दिया गया है कि थर्ड सेमेस्टर आपको प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए इससे रिलेटेड जल्द ही आधिकारिक इन्फॉर्मेशन भी आएगी। अभी आप सभी जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, जिनका भी एक या फिर दो सब्जेक्ट या फिर जिनका सेमेस्टर बैक हो गया है या फिर जो उपस्थित प्रशिक्षु हैं, आप सभी अच्छे से अपना पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करिए, ठीक है। बाकी आगे का आपको आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। बस अभी आप ये समझिए कि फोर्थ सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु हैं उनके साथ बैक प्रशिक्षुओं का एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये डर रहे हैं कि नहीं हमारा तो सेमेस्टर लेट हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स आपको भी तो थोड़ी तैयारी करने का समय चाहिए ना। अदरवाइज अगर अभी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए तो कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे प्रशिक्षुओं का बैक लग जाएगा, और ये सच्चाई है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे प्रशिक्षु ने अपनी तैयारी कर ली हो, खासकर डायट कॉलेज वाले प्रशिक्षु, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत पहले से यानी कि जून से ही स्टार्ट थी। लेकिन जो भी प्रशिक्षु निजी कॉलेज में पढ़ते हैं, आई होप कि उनकी तैयारी अभी नहीं हुई होगी, और बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको भी टाइम चाहिए, तो जो भी बैक प्रशिक्षु है आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आप डेडिकेट मान के चलिए कि फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर लास्ट तक कंडक्ट करा लिया जाए। अभी आप अपना बैक क्लियर करिए, ठीक है। और तो और जो भी प्रशिक्षु ये समझ रहे हैं कि आपकी जो परीक्षाएं डेट है वो बढ़ेंगी, तो नहीं फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षा डेट नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। जो भी बैक प्रशिक्षु हैं आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, और बाकी फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड 21-22-23 की जो डेट है फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे यही प्रस्तावित मानी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी, क्योंकि ये कार्यालय की तरफ से ही इन्फॉर्मेशन आई है, सोशल मीडिया पर वैसे ही वायरल नहीं किया जा रहा है या फिर ऐसे ही आप सभी को नहीं बताया जा रहा है। पीएनपी सचिव जी का खुद कहना है कि जी हाँ, आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम 21-22-23 तारीख को कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप सभी को सिंपली पता है कि 3 दिनों का आपका जो है, 3 दिनों में ही आपका पेपर समाप्त हो जाता है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पास कितना दिन है, अभी सोच लीजिए, मतलब बहुत ही कम टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। और बिल्कुल भी आप इसको लेकर घबराएं नहीं, आराम से पढ़िए, आप सभी का पेपर क्लियर हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था फ्रेंड कि आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। इंग्लिश आपकी जो क्लासेस है वो ओनली 10 दिन का टारगेट लेकर चलाया जा रहा है, ठीक है, कि आपकी जो पूरी इंग्लिश है वो 10 दिन में कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप सभी इस चैनल के साथ बने रहें। जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, आप सभी को पता है कि सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश है बिल्कुल सेम सिलेबस है, कहीं भी जो है आप कह सकते हैं मतलब अलग या फिर जो भी है सेम ही है। आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। बाकी इंग्लिश, आप सभी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हो सकता है आप सभी के कल कमेंट्स आ रहे थे कोविड-19 पर मैम ऐसे बता दीजिए कैसे लिखना है, तो बिल्कुल बताया जाएगा। हो सकता है रिसेंटली आपको जो है आपके एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए, तो सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा, एप्लीकेशन एसे, ठीक है, जो भी आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेंस के बारे में भी, विथ जो भी आपके सीरीज हैं, ठीक है, उसके थ्रू, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक के थ्रू पढ़ेंगे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कराया जाए, ठीक है। बाकी आप सभी साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे तभी मज़ा आएगा, है ना। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु, और देखिए फ्रेंड्स अब आप सभी को पता है YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है क्लासेस का, तो आप सभी वैसे ही चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन करिए अपडेट विद काजल, आपको वहीं लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और सिंपली चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन जा सके, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को शेयर कर लीजिए। अब कोई भी डेट नहीं बढ़ने वाला है, इसको लेकर आप सभी आशंका में मत रहिए, आप सभी अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी डेट का आप सभी को पता ही है, नवंबर में प्रस्तावित करने की बात, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होना है
तो आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को दी जाएगी, लेकिन अभी फ्रेंड्स डेडिकेटेड आप सभी अपनी तैयारी करिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, या आपके जो भी विचार है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मिलते हैं।